जंगल रोपा जिला परिषद वार्ड से चुनाव मैदान में उतरे होशियार सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया। अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद होशियार सिंह ने कहा कि बाट में रुके हुए कामों को प्राथमिकता के तौर पर करवाने के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी लोगों की समस्याएं होंगी उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। जिला परिषद जंगल रूपा वार्ड नंबर 5 से नामांकन दाखिल किया है और मेरा जंगल रूपा वार्ड के सभी बुजुर्ग महिलाएं और युवा सभी साथियों से समर्थन की अपील करता हूं और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो लोगों में जैसे सड़क पानी बिजली स्वास्थ्य की जो लोगों को समस्या होगी उसको हल करने की कोशिश करूंगा और जो भी जिला परिषद का हमें बजट आएगा उसको मैं ठीक ढंग से जो 12 पंचायतें जिला परिषद में आती हैं उनमें लगाने का पूरा प्रयत्न करूँगा। के नेता हमारे प्रचार में सभी लगे हुए हैं जिससे हमारे जिला परिषद का जो इलेक्शन हो रहा है उसके लिए सभी कार्यकर्ता और नेता जो साथ में एक साथ जुटकर काम कर रहे हैं। जीत के लिए क्या आप ये मेरी सभी 12 पंचायतों के वार्डों पंचायतों के से लोगों से समर्थन की अपील करता हूं कि वो मेरा समर्थन करें और मुझे जंगल रूपा वार्ड नंबर 5 से विजय बनाएं। श्री होशियार सिंह जी जो जंगल रूपा जिला परिषद के लिए प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में हम यहाँ पे आए हुए हैं। आज वो अपना नामांकन पत्र भर रहे हैं और ये जो हमारी जंगल रूपा पंचायत है इसे हमें पूरी उम्मीद है कि ये जीत के आएंगे क्योंकि लोगों को इनके साथ बहुत ही एक लगाव है क्योंकि ये पहले एससी सेल के पूरे जिले के अध्यक्ष थे और उन्होंने बहुत कार्य किया है और लोग इनके साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये सीट हम जीतेंगे और ये जीत के आएंगे और कांग्रेस पार्टी का नाम बढ़ाएंगे। हाँ, ये कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट है जंगल रूपा से होशियार सिंह जिसको सर्वसम्मति से हमने यहाँ से कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से ये यहाँ पर लड़ा है इलेक्शन और हमें पूरी आशा है क्योंकि ये सुलझे हुए